और ड्रैगन भाई कहाँ है आप? ड्रैगन भाई म्यूजिक भी बंद हो गया, आप किधर चले गए हैं? आगे ड्रैगन भाई साहब आगे, अब हम जाएंगे इसके पीछे से और अंग्रेजों के जमाने के जेल रहे हम। चलते हैं यस यस यस, आजा 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 आजा, नाम कितना बस हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आसिफ खान काजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों अल्टरनिंग के एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ आपका भाई फिर से हाजिर हो चुका है। एपिसोड नंबर है 15। आज के चैप्टर में जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में एंड किया था, और एक हमने क्या बर्बाद की थी, वो टनल बर्बाद की थी, लिम ग्रेव की सफाया कर दिया था उसका। और आपको मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट में लिम ग्रेव का जो एक ड्रैगन है वो हम इसको फड़काएंगे, ड्रैगन फाइट होगी आज के चैप्टर में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि जनाब ड्रैगन को आज हमने किस तरह टीम प्रेस करना है। और साथ में हमने जो एक नया वेपन पकड़ा था वो डबल ब्लेड वाला, डबल स्वॉर्ड कह लें या डबल ब्लेड कह लें, नहीं डबल स्वॉर्ड ही कहेंगे, डबल ब्लेड ही कहेंगे, उसको हमने अपग्रेड करना है। क्योंकि यूची किटाना और नागा कीबा स्वॉर्ड जब हमने अपग्रेड की थी तो वो मैं उसका वीडियो अनफॉर्चुनेटली नहीं बना सका था। तो मुझे एक कमेंट आया था कि भाई साहब आपने किस तरह वेपन अपग्रेड चुप चुपीते ही कर दी है, तो आज हम ये वेपन चुप चुपीते अपग्रेड नहीं करेंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि डबल ब्लेड को हमने कैसे अपग्रेड करना है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल माय न्यू वीडियोस थ्रू नोटिफिकेशन। और एक छोटी सी चीज ऐड करता चलूं, बहुत मजा आए कि इंडिया से मुझे बहुत सारा प्यार कॉमेंट्स और लाइक्स में मिलता रहता है, तो इंडियन फैंस के लिए लव यू हो गया। चर्च ऑफ एले चूंकि हमारा घर है, मुझे ये बहुत जगह पसंद है, तो इसलिए हमने चर्च ऑफ एले से ही शुरू करना है। आ जाओ भाई, ये है हमारे पास सोम्बर स्मिथिंग स्टोन जो कि बहुत ही जरूरी होते हैं किसी स्पेशल वेपन को अपग्रेड करने के लिए। नॉर्मल स्मिथिंग स्टोन से नॉर्मल वेपन जस्ट लाइक आवर कटाना, यूची कटाना, नागा कीबा, ये वो अपग्रेड होती है, और जो सोम्बर स्मिथिंग स्टोन है इससे अपग्रेड होते हैं स्पेशल वेपन। और स्पेशल वेपन आपको पता है हमारे पास है वो डबल ब्लेड वाला, जो हमने एक निंजा को मार के और योरा को मार के उसकी क्वेस्ट लाइन पूरी किए बगैर ही हमने वो उससे ग्रैब कर लिया था। नहीं, योरा से तो हमने की थी यार वो नागा कीबा। ये डबल ब्लेड के लिए हमें एक निंजा मारना पड़ा था, बड़ा ही तगड़ा, और चर्च ऑफ फलाने टमकाने पे जाके हमने मारा था। ये चीज चेक करें, उसकी डायल चेक करें आप, बाकी गलें छोड़ दें आप, ठीक है जी। तो आपको पता होना चाहिए कि +3 तक वेपन अपग्रेड होता है इसी चर्च ऑफ एले के स्मिथिंग टेबल से। उससे ऑनवर्ड अगर आपने वेपन को अपग्रेड करना है तो आपको जाना पड़ेगा चाचा हीग के पास। चाचा हीग होता है राउंड टेबल में, और राउंड टेबल कहाँ पे है? मैप के ऊपर, ठीक है जी। तो राउंड टेबल आपको खोल के देती है अपनी शहजादी मानिका, क्या जो भी मोनिका, ओ माय डॉल, मलीना सॉरी मानिका नहीं। तो यहाँ पे चाचा हीग साहब बैठे हुए हैं, रिपीटेडली डायलॉग वो एक ही बोलते हैं जब भी आए कि मैं तेरी मौत का इंतजार कर रहा था, तू फिर आ गए, चेक करिएगा जरा। चलो अब करें इसको अपग्रेड, ठीक है जी। ये +1 पे हैं अभी, इली नोरा पोली ब्लेड, इली ओनोराज पोली ब्लेड, ठीक है जी। ये जितने भी रून्स के शॉर्टेज थे वो मैंने वही बॉल वाली रून फार्मिंग करके पूरे कर लिए थे। मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट जो है वो दिखा रहा हूँ कि हमने इसको 7 तक अपग्रेड कर लिया है। जो स्पेशल वेपन होते हैं उसको +1 लेवल ऊपर ले जाने के लिए सिर्फ एक सोम्बर स्टोन की जरूरत होती है, जैसे उसमें 2, 4, 6 की स्लॉट बनी हुई है स्मिथिंग स्टोन में, इसमें ऐसा नहीं है। तो ये मैक्सिमम 9 तक जा सकता है, 6 तक हम ले गए हैं, 7, 8 और 9 हमें चाहिए। 8 और 9 सोम्बर स्टोन हमारे पास हैं, 7 हमारे पास नहीं है, वो जैसे गेम प्रोग्रेस होगी हमें मिलेगा। तो इसको अभी हम फुली ऊपर ले जाएंगे डबल ब्लेड को। लिम ग्रेव टनल पे मैं आपको चुप करके बगैर बताए आ गया हूँ, उसकी वजह ये है कि लिम ग्रेव टनल पे हमारा लास्ट चैप्टर जो है वो एंड हुआ था, लास्ट एपिसोड एंड हुई थी हमारी। अब हमने यहां से निकलना है ताकि हम अपने चाचे ड्रैगन को मार सके। उड्डन वाला भाई जड़ा है ना, उड्डन वाला ड्रैगन जो है आज हमारे हाथों से मरेगा, या हम उसके हाथों से डोगी की मौत मरेंगे, देखें अब क्या होता है। झूठे बाइया करते करते हम जाएंगे बाहर, और प्लस हमने बाहर जो ड्रैगन के रून्स है ना, ड्रैगन बर्न्ड रून्स नाम का एरिया, उसको भी आज हमने क्लियर करना है। लिम ग्रेव की सफाई चल रही है पूरे पार से, ये तीसरी चौथी एपिसोड हमारी लिम ग्रेव को सफाया करते करते ही हो चुकी है। 3 को हमने 1-2 टनल किए हैं, 3-4 केव्स कर ली हैं, कुछ और एरिया कर लिया है, आगे हम इसके भालू मारेंगे और प्लस एक राइडर, नाइट राइडर, उसके बाद बड़ा चौधरी वाला वेपन है,
वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज का ये बहुत जरूरी है। क्या मजेदार धांसू किस्म की एंट्री की है आपने अपने ऐसे को बाहर बुला लेने हैं, थोड़ी बहुत आपको जरूर हेल्प करेंगे, लेकिन मुझे लगता है इन तरफ से कोई हेल्प होनी नहीं। आपकी असल ताकत ये है, ओए ओए ओए, असल ताकत आपकी है ओए, ये जो ऐशो वॉर है ना, और आपकी यूची किताना के साथ नाका चुपा है, ओए हाय हाय हाय, फोन के रास्ता चौधरी ने, कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी, हमारा पहला ड्रैगन है इस गेम का, छोड़ेंगे नहीं, जितनी दफा भी मरेंगे छोड़ेंगे नहीं। आपने एक ही स्ट्रैटेजी रखनी है इस खोती के बच्चे के लिए, के आपने दो तीन हिटें करनी है और सज्जे खब्बे दौड़ देना है, फिर दो तीन हिटें करनी है फिर सज्जे खब्बे दौड़ देना है। अगर आप कहीं भी इस चक्रों में आए कि मैं फेस टू फेस खड़ा होकर इसकी ऐसी की तैसी फेर लूँगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपने बस इस तरह हिटें मारते रहना है, इसके गिटों के ऊपर मारे, कोशिश करें पाँव पर मारे, वो ज़्यादा डैमेज देगा इसको। वाह वाह वाह, ये होता है प्लस 18 पे जब आपका वेपन जाता है तो उसकी पावर, डैमेज पावर बहुत ही बढ़ जाती है, और स्पेशली आपको इसके पास जाने का सबसे अच्छा मौका तब मिलेगा जब ये अग बरसा रहा होगा। ये चीज मेरे अजीज बहुत ही प्यारी, एक हिट लगी और दूसरी हो गई मिस, और अग पै गई है हमें फिर से। चलो कोई बात नहीं, एल्डन रिंग है भाई, ये छोटे मोटे काम तो चलते रहेंगे। चलो, और हमारे समन्स की भी ऐसी की तैसी फेर ही दी है उसने। चलो चलो चलो, उठ गया जे चौधरी, उठ गया, चल भाई, ड्रैगन वाले आ जाओ। चलो उतर, नीचे क्यों उतर गया मैं, हील कर ले इससे पहले के ड्रैगन साहब एक कोई जफा मारन और उड़ा के ले जे हमें। किधर गया चौधरी, ओ किधर गया, डरते नहीं गया तू? और ड्रैगन भाई कहाँ है आप? ड्रैगन भाई म्यूजिक भी बंद हो गया, आप किधर चले गए हैं? हाय आगे ड्रैगन भाई साहब आगे, अब हम जाएंगे इसके पीछे से, और अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं हम, अंग्रेजों के जमाने का भी ड्रैगन है, इसको पीछे से जाके इसके पाँव पे एक आदत और ऐशो वॉर वाली हिट होगी तो मजा आ जाएगा। ओए यार, ये टेल भी घुमा के मारता, पूछल भी, कोई बात नहीं इस चक्कर का फायदा हुआ, बेशक आग में हमारी टिक्का बोटी बनने वाली थी, लेकिन नहीं फायदा हुआ, ये वाले रूंज भी हमने फटकाने हैं, कोई बात नहीं, फटकाएंगे जरूर हम। चलो लेट्स गो विद द फ्लो। चाचा ड्रैगन किधर चला गया है? फिर से फुल कर ले, फिर से घूम गया है चाचा ड्रैगन। ओके वो है सामने, थोड़ा ही रह गया, हिम्मत नहीं हारनी, अभी तक रिकॉर्ड है हमारा, एक भी बंदा नहीं फुड़का, एक भी दफा हम नहीं फुड़के। ओके, दो, तीन, यस, ये चक्कर हमारा फालतू नहीं पड़ा, जो हम रक्षे पे बैठ के इतनी दूर आए थे, दो हिटें मार के जा रहे हैं। लूट इकट्ठी करनी भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, रून फ्रैगमेंट, ओए ये तो बहुत ही दूर आ गए थे हम, ओए भाई मुझे पता है तेरे पास आग कटने की मशीन है, मुझे पता है, चल बैकग्राउंड में जो हो रही है चस्त करा रही है सही, चल भाई आशो बॉल, यस, चलो भाई आहा, ड्रैगन भी मार लिया हमने, ओवर पावर होने के चस्के आ रहे हैं, अब इन डड्डुओं को मारे, इसके पीछे लूट पड़ी हुई है वो हमने पकड़नी है, पॉइजन की टेंशन नहीं लेनी, छोटी मोटी तो फिर टूसियाँ मारेंगे ना ये पॉइजन वाली, ठीक है, इनको दो हिटें मारें ऐशो वॉर वाली साइड पे हो जाएं, और फिर हम बैठ के घोड़े पे वो जो पीछे स्टार सा नज़र आ रहा है ना वो भी फटकाएंगे हम, ज़रा उसको भी पकड़ लेंगे। चलो होपफुली ये तितर बितर हो गए, इस स्कॉर्पियो से आपने बचना है, ये बहुत ही पौंसरी का बच्चा है, इनको भी मारेंगे, लेम ग्रेव में छटना नीचा कर, कैसी हिट घुमाई है उसने, छोड़ेंगे हम किसी को नहीं, लेकिन वन बाई वन
आहिस्ता आहिस्ता सबकी मौत बनेंगे हम, मौत। चलो, वाओ मजा आया यार, वैसे ड्रैगन का मजा आया, नो डाउट मजा आया। चलो जी, अब थोड़ी सी लूट सूट इकट्ठी करें इस एरिया में, अगर कुछ स्मिथिंग स्टोन स्टून मिल जाते हैं हमें तो बड़ी मेहरबानी है। वैसे तो आपके भाई ने ड्यूरिंग एक्सप्लोरेशन छड़े ही कुछ नहीं, आए ए मर गया, अच्छा ठीक है, सारा कुछ इकट्ठा खा लिया। लेकिन मैंने सोचा चलो एक आधा कर, एक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लूट में जो रीस्पॉन हो जाती हैं, और ये एक अदद रूनस हैं जो ड्रैगन बर्नड रूनस हैं। यहाँ पे किसी ज़माने में चर्च होता था जो ड्रैगन बर्नड रूनस में बात तब्दील हो चुका है। एक हिट से दो बंदे फुड़क चुके हैं, मज़ा आया है। नागा की बाकी क्या ही बात है, चल बेटे कोई माफ़ी नहीं, कोई माफ़ी नहीं, साढ़े कागजात कोई माफ़ी नहीं। चल ओए कुत्ते बिल्ले भी हैं इतने, वाओ भेड़िए भी हैं। चलो नो डाउट, कोई बात, नो वरीज, चलो इन सब को करके हमने एक अंडरग्राउंड खंडर सा है, वहाँ पे आपको मैं टेलीपोर्ट होने की जो है वो लोकेशन दिखाऊंगा। बाकी जो लूट शूट हमने इकट्ठी करनी थी वो हमने कर ली है, और इधर कुछ भी नहीं है, ये टिड्डों मिड्डों को मार के सिर्फ आप बच गया। ओए वाह 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 यार, ये टार चला काम सही है भाई, सही है टार चला काम है। वैसे तो ये मार नहीं सके हमें, टार्चे मार मार के मारने हैं। चल बेटे बेटे पूरा हो गया तू, हो गया। चलो साहब भाई, पप्पा को काटी नहीं करते बेटे। ये होता है लंबी तलवार का फायदा, रॉ फ्रूट इकट्ठा हो जा रहा है, कुछ ढंग की चीज नहीं मिलती। इसको हम जरा पीछे से आके पकड़ते हैं। इस कोती के बच्चे ने बहुत ही ज्यादा हमें तार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया। वाओ यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है, कोई लूट होगी, डेफिनेटली होगी, दूसरी तरफ से जाते हैं, इधर से नहीं जाया जाना। यस मिल गई। ओ स्टोन वॉर्ड की जो खुफिया दरवाजे हैं वो खोलने के काम आती, बहुत ही रेयर आइटम है स्टोन वॉर्ड की। इसको एम ही नहीं आपने यूज कर लेना, स्टोरी के हिसाब से यूज करना। हमें जहाँ पे हमें ऐसे खूँ आ गया दोस्ती का बच्चा, मेरा ध्यान कैमरे की होगा साला पै ही गया। चाचा माफी मांग रहा है भाई, इसको छोड़ दिया जाए, वो कह रहा रहम आलीजा रहम, जाओ आलीजा ने तुम्हें माफ किया। आहो चलो, ओए जिंदा नहीं आले, चलो तेरी कुछ डड्डू चार कर रखा मुंह सारे। चलो आगे चलो, ये एक चेस्ट है, इसके अंदर से हमें मिलना कख भी नहीं है, स्वाए हम यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाएंगे। इन अनश्योर्ड किसनर्ड टेलीपोर्ट टाइप हो गए हम, और वहां से आप किसी भी एरिया में टेलीपोर्ट हो सकते हैं, तो इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी, आपका भाई खुद ही बाहर निकल आएगा। वापस हम चर्चो फैले पे आके नेक्स्ट चैप्टर अपना शुरू करेंगे, क्योंकि लिमग्रेव का स्वाया भी बाकी है, जाइएगा नहीं कहीं पे। मी आसिफ इरफान काजी साइनिंग ऑफ टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टिल देन अल्लाह हाफिज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।